नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे किचन में। गर्मियां चल रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसमें कि मैं आम को इन्वॉल्व करूं। तो यहां मैंने आज स्वीट डिश बनाई है जो कि है आम का हलवा। जी हाँ, आम से आप हलवा भी बना सकते हैं और बहुत ही कमाल का हलवा बनता है ये। इसके लिए आप अल्फेंजो आम का इस्तेमाल करें, एकदम यमी टेस्ट बनेगा इस हलवे का और आपके घर में आपकी तारीफ हो जाएगी। एकदम दानेदार ये हलवा बनता है जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर मिलाई है सूजी और सूजी मैंगो का। ये हलवा बहुत ही अमेजिंग होता है, टेस्ट में लाजवाब होता है। सो बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। सबसे पहले हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसके अंदर डालेंगे अल्फेंजो आम। अल्फेंजो आम मैंने एक लिया है जिसके मैंने छिलके उतार कर इसे पीसेस में काट लिया है। तो इस अल्फेंजो आम को हम डाल देंगे अपने ग्राइंडर में और इसे ग्राइंड कर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। मुझे थोड़े से पल्पी मैंगो पसंद है तो मैं हल्का पल्प रखूंगी इसके अंदर, बिल्कुल अच्छे से नहीं ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, छोटे छोटे इसमें पल्प भी दिखाई दे रहे हैं। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा दूध और इसके अंदर थोड़ी सी केसर को मैंने डिप करके रख दिया है। चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और पैन के अंदर डालेंगे 1.5 कप पानी। हम इसके अंदर 1/2 कप सूजी यूज करने वाले हैं तो उसी के हिसाब से 3 गुना पानी हम लेंगे। तो 1.5 कप पानी मैं यहाँ पर डाल रहा हूं। और अभी हम वेट करेंगे इस पानी में उबाल आने का। पानी में उबाल आ चुका है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप चीनी। सूजी के हलवे के साथ जैसा हम रेशो रखते हैं वैसा ही इसके साथ रखना है, 1/2 कप सूजी, 1/2 कप चीनी और उसका 3 गुना पानी। 2 इलायची कूटकर उसके दाने निकाल लिए हैं और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इलायची का बहुत कमाल का फ्लेवर आएगा। और अब हम इस पानी में चीनी के घुलने का वेट करेंगे। इसकी चाशनी हमें नहीं तैयार करनी है, सिर्फ इस चीनी को हम पानी में घोल लेंगे अच्छे से। चीनी को घुलने के लिए हम मंदी आंच पर छोड़ देंगे और दूसरे बर्नर पर चढ़ा लेंगे एक और पैन। तो यहाँ पर हमने एक पैन गरम कर लिया है दूसरे बर्नर पर, इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हर हलवे में, तो देसी घी थोड़ा सा ज़्यादा डालें। रोज़ रोज़ तो डिज़र्ट नहीं बनती है तो कभी कभी बनाना है तो कुछ स्पेशल ही बनाया जाए। अभी हमने घी को अच्छे से गरम कर लिया है और इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप सूजी। और ये देखिए घी गरम है तो सूजी डालते ही ऐसे खदकने लगती है। हम गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए सूजी को भूनना है। सूजी को बिल्कुल ऐसा भूने कि एक एक दाना अलग हो जाए। अभी तो आपको दिख रहा है कि ये घी में मिक्स हो गई है, जब ये घी छोड़ना शुरू कर देगी इसका मतलब होगा कि सूजी पक चुकी है। कच्ची अगर सूजी रहेगी तो हलवे का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जो सूजी है उससे अच्छी सी खुशबू आए और वो घी छोड़ना शुरू कर दे, तभी उसे मानते हैं कि वो पक गई है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया था, सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। हल्का सा और भूनना है जिससे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए सूजी। थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल जैसी परफेक्ट सूजी हमें चाहिए भुनी हुई वैसी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर डालेंगे ये 1 कप मैंगो पल्प जो हमने अभी बनाया था। सारा मैंगो पल्प हम इस सूजी के अंदर ऐड कर देंगे और डालने के फौरन बाद ही हम इसे मिक्स कर देंगे सूजी और घी में। हमें मैंगो पल्प को सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए इसमें पकाना है, गैस का फ्लेम मीडियम हाई ही रखना है। तो ये देखिए मैंगो अच्छे से मिक्स हो गया है। पानी का हाल देख लेते हैं अपना। तो यहाँ पर देखिए पानी में भी उबाल आ गया है तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमें इसे गरम गरम ही ऐड करना है अपने इस मिक्सचर में। तो डाल देंगे इस पानी को आराम से। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और आप देख सकते हैं मैंगो के पल्प्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा ही हलवा पसंद है मैंगो का। आप चाहें तो बिल्कुल अच्छे से पीसने के बाद ये हलवा बना सकते हैं अगर आपको पल्पी फ्लेवर नहीं चाहिए हलवे में। पानी डालते ही सूजी एकदम से पानी को सोखना शुरू कर देगी और आप देख सकते हैं कैसे फटाफट से हलवा गाढ़ा होता जा रहा है। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और इसे चला रही हूँ ताकि सूजी अच्छे से सोख ले पानी और नीचे से लगे भी ना। तो ये देखिए हलवा तो हो गया गाढ़ा। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश। आप चाहें तो जो ड्राई फ्रूट हैं वो अपनी मर्जी के डाल सकते हैं, फ्राई करके भी डाल सकते हैं। हलवे के अंदर ड्राई फ्रूट्स को भी मिक्स कर लेंगे एक बार ऐसे।
और अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये केसर वाला दूध जो हमने अभी कम से कम 10 से 15 मिनट पहले सोख करके रखा था दूध में। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, एक ऑप्शन और है कि अगर आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी थोड़ा सा इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बस अभी हमें ये हलवा लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढककर पकाना है, तो इसे ढक देते हैं। 1 मिनट बाद खोलकर देखा है ये हलवा एकदम परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे चला लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए जैसे हलवे की होती है बिल्कुल वैसी है, और ये घी छोड़ना शुरू हो गया है। जब भी हलवा घी छोड़ना शुरू कर दे इसका मतलब प्रॉपर पक चुका है, वो बिल्कुल तैयार है हलवा। तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस हलवे को एक बाउल में निकाल लेंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है ये हलवा देखकर। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और मैंगो का फ्लेवर दिया है मैंने इसे, बहुत ही टेस्टी बना है। घर वालों से बिल्कुल तारीफ मिली थी मुझे। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को दीजिए एक लाइक। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।